देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। दिवाली पर शिवगंगा भवन का उपहार, ज्ञान गंगा प्रवाहित होने का मिला वरदान। मानव सेवा में निरंतर प्रयासरत ब्रह्म कुमारी के दत्तवाड़ी स्थित इंद्रायणी नगर में शिवगंगा भवन का उद्घाटन नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी ने किया। इस अवसर पर वाणी नगर परिषद के मुख्याधिकारी विजय देशमुख, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप राणावर, क्राइम ब्रांच के डीसीपी गजनन राजमाने, नागपुर सेवा केंद्र की उप संचालिका बीके मनीषा, कामठी सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता समेत अनेक सेवा केंद्रों की बहनें उपस्थित रहीं। इस मौके पर बीके रजनी ने कहा कि यह भवन दिवंगत राजयोगिनी बीके पुष्पा रानी दीदी जी के शुभ भावनाओं का संसार है। इसके साथ ही अन्य वक्ताओं का कहना था कि वाणी शहर में ज्ञान गंगा प्रवाहित होने वाली है, जिसमें सभी डुबकी लगाकर पावन बनेंगे। परंतु विस्तारित वृक्ष की टहनिया जो आज उनके पश्चात भी निर्मित हो रही है, हम हमेशा समझती हूँ कि ये मेरी दीदी के संकल्पों का, ये मेरी दीदी के शुभ भावनाओं का सारा संसार है। नागपुर, जिसका नाम नाग नदी से नागपुर बना, वो नाग नदी का उद्गम स्थान भी यहीं से है, इसलिए पूरा इससे नागपुर स्वच्छ हो जाएगा। बाबा का आशीर्वाद रहेगा, इतने जो भाई बहन बने सब स्वच्छ रहेंगे। मुंबई के जुहू नोवोटेल होटल में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के पुरस्कार समारोह में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बीके डॉक्टर दीपक हरके को महाराष्ट्र टाइम्स ट्रेंड सेंटर्स 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके साथ ही संस्था के प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर मौजूद बीके प्रतिभा ने राज्यों का परिचय देते हुए अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस दौरान सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आदिनाथ कोठारे भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में नवीनता पूर्व उपक्रम करते दिशा दर्शी कार्य करने वाले 27 लोगों को सम्मानित किया गया। करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र पर रोशनी का पर्व दीपावली भव्य रूप से मनाई गई। इस कार्यक्रम में विशिष्ट लोग तो शामिल हुए ही, लेकिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को अलग ही सुंदर रूप दे दिया। इस मौके पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीनियर डिप्टी मेयर राजेश आगही, पार्षद मेघा भंडारी, भारत विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष अंजू शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम और बीके शिखा समेत अनेक सदस्यों ने अपने विचार रखे। सबसे बढ़िया गिफ्ट कौन सी है जो हम सबको देनी चाहिए दूसरे को, वो है स्नेह की गिफ्ट, वो है शुभ भावना की गिफ्ट, वो है शुभ कामना की गिफ्ट, वो है दिल की दुआओं की गिफ्ट। जो हम जिस जिंदगी में जी रहे हैं उससे आगे एक स्टेप जाना चाहिए, और अगर हम जो दिवाली अपने परमपिता ईश्वर के साथ बनाएंगे तो उसका जो स्वरूप होगा वो अलग ही होगा। और मैं पुनः आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। दीपावली संकल्पों का त्योहार है। मन में छाए हुए अज्ञान अंधकार को दूर करने से ही समाज के अंधकार को दूर किया जा सकता है, यही दीपावली का संदेश भी है। ये बात गृह सचिव अरुण देव गौतम ने नया रायपुर के शांति शिखर रिट्रीट सेंटर में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में कही। आगे रायपुर के क्षेत्रीय निदेशक विकी कमला ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। अंत में सभी ने आत्म ज्योति को जगाकर विकारों रूपी अंधकार पर जीत पाने का संकल्प लिया। वहीं रायपुर के शांति सरोवर में इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मौके पर रायपुर की क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला, बीके किरण समेत अनेक बीके बहनों ने केक कटिंग की और पर्व की बधाइयां दी। इंटरनेशनल फैसिलिटेटर्स वीक के तहत ब्रह्मा कुमारीज अध्ययन और IAF के संयुक्त प्रयास से ग्रामीण महिलाओं के लिए सशक्तिकरण सेशन आयोजित किया गया, जिसका विषय रहा नोइंग एंड ग्रोइंग मी, माई फैमिली और माई सोसाइटी। वैकुंठ पीस गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में अध्ययन के निदेशक बीके डॉक्टर मुथुमनी, IAF बोर्ड मेंबर वी नरसिम्हन और राकेश ने विषय पर प्रकाश डाला और कई गतिविधियों के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास किया। लॉयन व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन मध्य प्रदेश के द्वारा 2 दिवसीय T20 कप का शुभारंभ लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन विश्वविद्यालय के खेल परिसर में हुआ।
जिसमें मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की टीम शामिल हुई। टूर्नामेंट के शुभारंभ पर एडीएम इक्षित गढ़पाले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश डिंडोतिया, लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श और बीके प्रहलाद समेत कई अतिथि शामिल हुए। इस दौरान बीके सदस्यों ने टीमों के कप्तान और खिलाड़ियों से बातचीत की और सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं विशिष्ट लोगों ने ब्रह्मा कुमारी के कार्यों को सराहा। ऐसे ग्राउंड में मैच खेलना बड़ी सौभाग्य की बात है और जितने भी लोग इस आयोजन से जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा। मधुबन न्यूज चैनल के माध्यम से मैं ये सब बताना चाहता हूँ, ग्वालियर के जितने भी वासी जो ये वीडियो देखेंगे वो आए और इस प्रकार के खेलों को प्रोत्साहन दें और ऐसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका। दिवाली पर इंदौर के ज्ञान शिखर के परिसर को सुंदर रोशनी, दीपक, फूलों और रंगोली से सजाया गया। कार्यक्रम में इंदौर जोन की क्षेत्रीय संयोजिका बीके हेमलता ने सभी बहनों के साथ मिलकर केक कटिंग की और घर के साथ साथ अपने विचारों और संस्कारों की सफाई करने की बात कही। हिसाब बही खाता अपना चेंज करना है, पुराना 63 जन्मों का खाता सब खत्म करना है, योग से विकर्मों को भस्म करना है, आत्मा को प्योर बनाना है। इंदौर के ओम शांति भवन में दीपावली पर्व पर जस्टिस बी डी राठी ने कहा कि जब हम दीपक जलाते हैं तो उस स्थान की नेगेटिविटी समाप्त होती है और जीवन में खुशियों का संचार होता है। इसके साथ ही तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बी के पूनम, इंदौर जोन प्रभारी बी के आरती, बी के नारायण, न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर सिंधु मेंढके ने भी अपने विचार रखे। आज ब्राह्मणों के द्वारा संगम युग पर जो तपस्या की जाती है उसका रिजल्ट दे, ब्राह्मणों को क्या फल मिलता है, राज तिलक होता है। आत्मिक रूप से दीपक तो जगा चुके हैं, जब बाबा का ज्ञान सुना, बाबा के बच्चे बने तो हमारी आत्मा रूपी दीपक जग गया। दिवाली पर पुराना बही खाता समाप्त कर नया बही खाता अर्थात श्रेष्ठ कर्मों का, दुआओं का खाता प्रारंभ करना है। इसी संदेश के साथ भिलाई के ब्रह्मा कुमारी स्पेस ऑडिटोरियम में दीपोत्सव मनाया गया। इस मौके पर भिलाई सेवा केंद्र के निदेशक बीके आशा ने कहा कि रोशनी, खुशी और उमंग उत्साह का त्यौहार दीपावली है। हम चैतन्य दीपकों को दीपराज महाज्योति परमात्मा से शक्ति भरकर निर्बल आत्माओं में बल भरना है। वहीं डिवाइन ग्रुप के बच्चों के द्वारा मनमोहक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी पर्व को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुकमणि, सह संचालिका बीके बिंदु, महापौर राजकिशोर प्रसाद, सेंट्रल वर्कशॉप के प्रबंधक नवीन पांडे, डॉक्टर केसी देवनाथ समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहने की शुभकामनाएं दी। यहां आके हम सबों ने जाना कि बाबा के मुरली में जो प्रतिदिन हमें गूढ़ बातें बताई जाती है, जीवन को जीने की जो कला सिखाई जाती है, उसको आत्मसात कर। आज बहुत ही धूमधाम से ब्रह्मा कुमारी कोरबा में ये दीपावली का पर्व मनाया गया। वास्तव में ये पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला पर्व है। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी सेवा केंद्र के द्वारा स्वर्णिम भारत आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका विषय था हर दिन हर घर आयुर्वेद। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में आयोजित कार्यक्रम में राजयोग मेडिटेशन का मानव जीवन के सर्वांगीण विकास में क्या महत्व है, इसकी जानकारी दी गई। अंत में डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने ब्रह्म कुमारी की शिक्षाओं को लाभकारी बताया। आज के बुलेटिन में इतना ही, अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।